आज हम पढ़ेंगे मैथ्स लैब में जो किट है उसके अंतर्गत फ्रैक्शंस इस चैप्टर के बारे में। तो क्लासरूम में हम फ्रैक्शंस को पढ़ते हैं क्लास फिफ्थ और सिक्स में सेवन्थ में। एक बार फिर से फ्रैक्शंस क्या होता है एक्टिविटी के जरिए एक छोटी सी समझने का प्रयास हम करेंगे। बच्चों आइए इधर ध्यान दीजिए, आपके सामने आप देख सकते हैं एक छोटी सी किट आपके सामने है, जैसे कि आप जानते हैं किस नाम से जानते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सर्कल एक कंप्लीट यूनिट आपके सामने है। एक कंप्लीट यूनिट को ही हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, है ना, और होल नंबर का एक भाग जो होगा उसे ही हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो आप देखेंगे इसमें इसमें इस सर्कल को समान छह भागों में बांटा गया है, ये देखिए। तो ये एक संपूर्ण चीज का कोई एक भाग जो होता है जिसे अंश पार्ट या फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो हम इसके लिए क्या नंबर हो सकती है ये जानने का प्रयास करते हैं। फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इस एक्टिविटी के जरिए ये जो इस पूरे संपूर्ण सर्कल का एक जो भाग है यही क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। अब यदि एक सर्कल को एक संपूर्ण यूनिट को इस तरह से समान छह भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो कुल छह फ्रैक्शंस हो गए। तो हर एक फ्रैक्शंस के लिए एक नंबर होगी, हर एक पार्ट के लिए एक नंबर होगी। बताइए कुलेश्वर इसके लिए क्या क्या नंबर हो सकती है। यदि हम सर्कल को संपूर्ण सर्कल को वन यूनिट मानते हैं एक होल नंबर के रूप में, तो उसकी इस भाग को एक भाग को क्या कहेंगे, एक संख्या के रूप में क्या लिखेंगे, दैट इज वन अपॉन सिक्स, वन बाय सिक्स। यदि यूनिट वन है और उसके छह समान भाग कर दिए जाए तो हर एक भाग वन बाय सिक्स होगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये संपूर्ण सर्कल है, इसके छह समान भाग है, इसको हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि आपके सामने हमने तीन भाग निकाले और तीन बाकी है, तो यदि ये भी फ्रैक्शन कहलाएगा इसके लिए भी एक नंबर हो सकती है। तो ये जो बोर्ड के ऊपर जो उसका पीस रह गया है, एक तीन पीस मिलकर एक पीस बन रहा है, उसके लिए कोई नंबर हो सकती है मानस, इसके लिए कोई नंबर क्या लिखेंगे उसके लिए, बोलो। वन बाय टू, दरअसल इसमें तीन भाग है, वन टू थ्री, तो आउट ऑफ सिक्स कुल छह भाग में से तीन भाग उसके अंदर है, और इसको सरल करते हैं तो ये वन बाय टू होगा, दैट इज हाफ, हाफ कहते हैं आधा। तो आप देख सकते हैं संपूर्ण सर्कल का एक आधा भाग है। यदि इसमें से एक भाग और निकाल लिया जाए तो ये जो दो सेक्टर मिलके दो भाग मिलके एक संपूर्ण भाग बन रहा है इसके लिए क्या नंबर हो सकती है पार्ट, टू बाय सिक्स, क्योंकि छह में से दो भाग है। तो इस तरह से अभी और जोड़ देते हैं कुछ, आप देख सकते हैं जो इसमें फ्रैक्शन जुड़े हैं भाग जुड़े हैं उनकी संख्या है वन टू थ्री फोर, कुल छह भाग सर्कल के अंतर्गत है, इसमें से चार भाग यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं, इसके लिए कोई फ्रैक्शन अनित क्या नंबर होगी, ये जो सर्कल का हिस्सा हमें दिख रहा है